क्या आपको पता है कि आपके अंदर का पाप महसूस नहीं करने देता कि परमेश्वर आपके अंदर है? आपको पता है आप परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पाप आपके अंदर है। अभी आप ये कहेंगे कि मैं तो मसीह हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज लिया है, बाइबल पढ़ी है, वचनों पे चलने की कोशिश करता हूं, दान दशांश भी देता हूं, लेकिन आप नहीं जानते कि परमेश्वर चाहता है कि आपकी पवित्रता जो उसने आपको दी है उसको आप रोज महसूस करें, उसके लिए आप काम करें। हेलो, कुलुसियों 1:22 पढ़िए पहले, कुलुसियों 1:22 कि यीशु मसीह ने अपने शरीर में मृत्यु के द्वारा हमें पवित्रता दी है, निर्दोषता दी है और निष्कलंकता दी है। पढ़िए बेटा, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आमीन। हमें प्रभु के सामने जब भी उपस्थित होना है तो निर्दोष, निष्कलंक और निष्पापी होकर, बनकर उपस्थित होना है। और यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा आपको पवित्र बना दिया है। आप कैसे प्रार्थना करते हैं? कैसे प्रार्थना करते हैं आप प्रार्थना की शुरुआत कैसे करते हैं? क्या परमेश्वर के सामने जाने से पहले आप खुद को जांचते हैं? आप खुद को जांचते हैं? परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होने से पहले क्या हम खुद को जांचते हैं? क्या आप खुद को जांचकर यह महसूस करते हैं कि प्रभु आ गया है? क्या परमेश्वर के लिए आप सिंहासन तैयार करते हैं? स्तुति का सिंहासन आप तैयार करते हैं, या यूं ही आंखें खुली और बोलना शुरू कर दिया कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और प्रार्थना खत्म की और चले गए? आपने महसूस ही नहीं किया कि प्रभु आया है कि नहीं आया है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आप एक पास्टर को बुलाएंगे अपने घर में प्रार्थना कर लिए तो क्या होगा? आप कब करेंगे प्रार्थना? जब आप देखेंगे कि पास्टर आ गया है, पास्टर बैठ गया है और पास्टर सुनने के लिए तैयार है, तब आप प्रार्थना करेंगे। आमीन। तब आप मांगेंगे ना उससे। प्रेज द लॉर्ड। कोई आपके घर में आया ही नहीं है और आपने बोलना शुरू कर दिया तो आपकी इच्छा पूरी होगी? नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका पिता, वो सर्वशक्तिमान रचयिता जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान आपके लिए किया, वो सुनना चाहता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। वो सुनना चाहता है, लेकिन वो कब सुनेगा? जब आप उसे बुलाएंगे, प्रभु आ, मेरे दिल के सिंहासन पर विराजमान हो, आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। आमीन। आपकी प्रार्थना शुरू होने से पहले जरूरी है आपके पिता का, स्वर्गीय पिता का आपके पास आना। अब वो कैसे आएगा? वो आपके रिश्ते पर डिपेंड करता है कि आप उसके कितना करीब हैं, आप कितना उसे प्यार करते हैं। आमीन। आप किसी को भी अपने घर में नहीं बुला सकते ना, जब तक आपका उसका रिश्ता सही नहीं होगा, जब तक आपके पास उसका नंबर नहीं होगा। बुला सकते हैं क्या? नहीं बुला सकते हैं।
इसलिए परमेश्वर के संबंध कैसा है, परमेश्वर का और आपका संबंध कैसा है, इसलिए अपने मन को, अपनी जमीन को हमेशा तैयार रखिए ताकि हम उसके योग्य बने रहें, उसकी पवित्रता का आशीष हम महसूस करें और तब उस अपने सिंहासन पर, तो उसे सिंहासन पर बिठाएं और उसे बोलें। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दे? आमीन। बहुत जरूरी दो बातें, आज इन्हीं दो बातों को मैं आपको समझाऊंगा कि परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी प्रार्थना को सुने, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में कार्य करे, लेकिन उसके काम करने का तरीका उसका अपना है। आपके अनुसार काम नहीं करेगा वो अपने अनुसार काम करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि आप चाहते हैं मेरे मुताबिक काम करे, जो मैं चाहता हूं वैसा परमेश्वर चले नहीं चलेगा। वो परमेश्वर है, उसका अपना तरीका है। आप उसको बुलाइए उसके तरीके से, वो आपके साथ काम करेगा, वो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि उसने आपको रचा है, उसने आपको बनाया है। आप ऐसे नहीं आ गए, ये परमेश्वर की कृपा है। आप यूं ही नहीं बैठे हुए हैं यहां पर कलीसिया में। हेलो, उसने यूं ही अपने इकलौते पुत्र का बलिदान आपके लिए नहीं दिया है। वो आपसे ज्यादा आपको चाहता है। वो एक पल भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा दुखी हो, मेरा बच्चा मायूस हो, मेरा बच्चा किसी पाप में पड़े। फिर से मसीह होने के बाद, प्रेज द लॉर्ड, वो नहीं चाहता है। लेकिन आप अपने अंदर उसको रख नहीं पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो ठहरना चाहता है आपके अंदर, वो रहना चाहता है आपके अंदर। आप चाहते हैं कि प्रभु आया, मेरा काम किया, मैंने प्रार्थना दी, फिर प्रभु गया या नहीं गया उसका लुकआउट है, फिर मैं लग गया अपने संसार में, फिर प्रभु की जरूरत जब प्रॉब्लम आएगी तब आएगी। कोई आपके संग ऐसा करे तो क्या लगेगा आपको? जब आपकी जरूरत है तो मैं आपको बुला लूं, आपको यूज करूं, आपसे कहूं बहन बड़ी अच्छी हैं, वाह 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 बहुत अच्छी लग रही हैं, मेरा ये काम करिए, मेरा वो काम करिए भैया, और जब आपका काम निकल जाए, जब मेरा काम निकल जाए तो मैं चला जाऊं, मैं आपकी तरफ देखूं भी नहीं, कैसा लगेगा आपको? ये कितना मतलबी इंसान है ना? यही प्रभु का है। आप चाहते प्रभु से सब कुछ है, लेकिन रिश्ता बनाना नहीं चाहते। न्यायियों की पत्री में एक गिदोन नाम का आदमी हुआ है जिसको परमेश्वर ने यूज किया इज़राइल का छुटकारे के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल के छुटकारे के लिए उसको यूज किया। देखिए, न्यायियों की किताब आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहोशू ने जब कनान देश में सारे गोत्रों को पहुंचाया, वो सेट नहीं हो पाए, और न्यायियों की किताब हमें बताती है कि इसराइलियों में जो उनका मन चाहता था वही करते थे, वो परमेश्वर के अनुसार नहीं जी रहे थे, वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार नहीं जी रहे थे, उनका जो मन चाह रहा था वो कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उनकी इच्छा पर छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनके हाल में उन्हें छोड़ दिया, और क्या हुआ कि डिफरेंट जातियां जो थी वो इसराइल पर हुकूमत करने लगी। अब यहां पर क्या हुआ कि इज़राइलीस जो कि परमेश्वर को भूल गए थे, यहां पर क्या हुआ, मिदानी, ये न्यायियों की किताब पुस्तक छठा अध्याय है जिसमें पता चलेगा आपको कि मिदानी जो थे वो 7 साल इज़राइल पर हुकूमत कर रहे थे। क्यों हुआ? आपके जीवन में डर कब आता है? आप कब डर जाते हैं?
जब परमेश्वर आपके साथ नहीं होता है। इसराइलीज क्यों डर रहे थे? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था। परमेश्वर की व्यवस्था पे नहीं चल रहे थे वो लोग, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, जाओ जो करना है तुम्हें करो। हालेलुया। और इसराइलीज डर डर के काम कर रहे थे, अपना अनाज भी डर के छुपा कर अपने खुराक को बचा रहे थे। हालेलुया। विश्वास करिए, आपका पाप आपके अंदर एक ऐसी इस उपस्थिति को लाता है जहां पर परमेश्वर नहीं होता। आप महसूस नहीं कर पाते कि परमेश्वर है। परमेश्वर के होते हुए भी आप परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पाप है। तो गिदोन जो था वहां पर, उसके वंश में था। आप देखिए छठा अध्याय निकालिए, छठा ग्यारवा पढ़िए, ग्यारवा। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांजू वृक्ष के तेल तले बैठ गया, और जो ओपरा में अबीएजरे ओशा का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाकरस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानी से छिपा रखे। आमीन। गिदोन जो था वो योआश का था, योआश उसका पिता का नाम था। हालेलुया। और वो मिधानियों से छिपाकर गेहूं को झाड़ रहा था। वहां पर यहोवा का दूत उसे देखकर उसने दर्शन दिया और उसने कहा, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने महसूस किया कि मेरा प्रभु मेरे साथ है? कभी मुश्किल में महसूस किया आपने? यहां पर लिखा हुआ है कि हे शूरवीर योद्धा, परमेश्वर तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ है। शूरवीर क्या काम कर रहा था? वो छुपा रहा था, अपना ही अनाज छुपा रहा था। क्या शूरवीर ऐसा काम करते हैं क्या? आमीन। क्यों डरा हुआ था वो? आगे आप देखेंगे तो समझेंगे। हे शूरवीर योद्धा, प्रभु तेरे साथ है। चौदवा, तब यहोवा ने उसकी ओर दृष्टि की ओर कहा, तू अपनी इसी शक्ति में जा और इज़राइल को मैदानियों को के हाथों से छुड़ा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर जब उसने कहा कि परमेश्वर योद्धा का, हे शूरवीर योद्धा, परमेश्वर तेरे साथ है, तो उसने कहा कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरी ऐसी हालत क्यों है? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो हम गुलाम क्यों हैं? क्यों मैं गुलाम हूं? क्यों मैं दुखी हूं? क्यों मैदानी हम पर राज्य कर रहे हैं? क्यों मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा हो जाता है? क्यों मैं डरता हूं? क्यों मैं घबराता हूं? क्या आज ये सवाल आपके साथ नहीं है? आप यहां पर आते हैं, कलीसिया में आते हैं, और आप बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू पाया, यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी। हो सकता है आपके मन में एक सवाल उठता हो कि अगर परमेश्वर, अगर यीशु मसीह मेरे साथ है तो मैं दुखी क्यों हूं? क्यों दुखी हूं मैं? क्यों संकट में हूं मैं? क्यों आज नौकरी मेरे खतरे में है, धंधा मेरे खतरे में? क्यों? क्यों मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है? मेरा पति मेरे साथ नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है? क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। तो गिदोन ने कहा कि अगर तू मेरे साथ है तो हम ऐसा क्यों जीवन व्यतीत कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि तूने हमको मिस्र से निकाला है, लेकिन फिर भी हम अकेले क्यों हैं? अब यहां परमेश्वर ने क्या कहा चौदहवें वक्त में, कि तब यहोवा ने उसकी ओर दृष्टि की और कहा कि तू अपनी इसी शक्ति में जा और इज़राइल को मैदानियों के हाथ से छोड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? आमीन। जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, देखिए मेरी तरफ। क्या कहा यहोवा ने? कि तू अपनी इसी शक्ति में जा। तू कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, और मैदानियों ने हम पर कब्जा कर रखा है, मेरे दुश्मनों ने हम पर कब्जा कर रखा है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है?
तू अपनी इसी शक्ति में जा, ऐसे ही जा और तू उसको छुड़ा लेगा, तू मैदानियों को छुड़ा लेगा, तू मैदानियों पर राज करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 15वां पढ़ते हैं। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनशेष में सबसे कंगाल है, मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसीलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू अपने दुश्मनों को ऐसा मारेगा जैसे एक मनुष्य को मार रहा है। वो क्या कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कंगाल हूं, मेरा पिता का वंश छोटा सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कब अपने आप को छोटा समझते हैं? जब आप अपनी ताकत के बिहाफ पर लड़ना शुरू करते हैं, जब आप अपनी ताकत को देखते हैं, अरे यार मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, मेरी हाइट छोटी है, मैं यार दो बार डंबल उठाता हूँ थक जाता हूँ, 2 किलोमीटर भागता हूँ थक जाता हूँ, और ये इतनी बड़ी सेना आ गई है, इनसे मैं कैसे लड़ पाऊँगा? होता है कि नहीं होता है? कभी होता है ना, जब बीवी जोर से बोल देती तो आदमी बोल नहीं पाता, तो आदमी कहता है कि यार मैं जब अपनी बीवी के सामने नहीं बोल पाता हूँ तो अपने दुश्मन के सामने क्या बोलूँगा? होता है ऐसा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होता है दीपक जी के साथ होता है। आपने अंगीकार कर ली, वेरी गुड। मैन, आप महसूस कर रहे हैं अपनी ताकत, इसलिए आप अकेले महसूस कर रहे हैं। आप जब महसूस कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो क्या कह रहा है कि मनुष्य में मेरा जो घराना है वो सबसे छोटा है, मेरा परिवार मनुष्य में सबसे छोटा है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, मैं कैसे छुड़ा सकता हूं? लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? अवश्य मैं तेरे साथ हूं। मैं 16वां पढ़ो दोबारा, 16वां। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसीलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। आमीन। कब मारेगा? जब तू महसूस करेगा कि मैं तेरे साथ हूं। कब तू लड़ेगा? जब तू महसूस करेगा कि मैं तेरे साथ हूं। कब तू जीतेगा? जब तू महसूस करेगा कि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। लेकिन हम परीक्षा में अकेले हो जाते हैं, हम परीक्षाओं में महसूस ही नहीं करते कि प्रभु मेरे साथ है, हम सिर्फ उसे याद करते हैं कि यीशु मसीह दया कर मुझ पर, दया कर यीशु मसीह और मुझे इस समस्या से निकाल, फिर हम डर में चले जाते हैं, फिर हम एक ऐसे स्वभाव में, एक ऐसे वातावरण में आ जाते हैं, वहां डर होता है, असुरक्षा होती है, शांति होती है, फिर हम आसपास के अपने दोस्तों से, यारों से, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं कि अरे भाई क्या करूं इस समस्या से निकलने का, मैं क्या हर करूं, कैसे निकलूं इस समस्या से। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? अवश्य ही तू जीतेगा क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तक तू महसूस नहीं करेगा कि मैं तेरे साथ हूं। अच्छा, गिदौन क्यों नहीं महसूस कर पा रहा है? आपको पता, गिदौन जो कि एक इजरायली है, गिदौन जो कि मूसा की व्यवस्था को जानता है, गिदौन जो कि यहोवा को जानता है, सर्वशक्तिमान को जानता है, गिदौन जानता है कि परमेश्वर ने कैसे मिस्र से निकालकर इजरायलियों को सिने जंगल में लेकर आया, कैसे कनान देश में पहुंचाया, वो जानता है, लेकिन फिर भी डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक पाप है, वो एक पाप में जकड़ा हुआ है और उस पाप ने उसकी सोच को जकड़ लिया है। आपको पता है कि आपका पाप आपकी बुद्धि को जकड़ लेता है, आप सही सोच नहीं पाते, आपके पास सही सोचने की शक्ति नहीं रहती है,
आपके जो पाप है ना, वो आपकी बुद्धि को जकड़ लेता है। इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा था कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाओ, क्योंकि तू समझ नहीं पाएगा और तू मर जाएगा। आमेन। आपके अंदर का जो पाप है वो आपको डराता है, और आपके अंदर का जो पाप है वो परमेश्वर को आपको महसूस नहीं करने देता है। परमेश्वर की शक्ति जो आपके अंदर है, यूहन्ना 17:21 पढ़िए, उस पर लिखा हुआ कि जैसे तू मुझ में मैं तुझ में हूं, कैसे है वो हम में, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए 17:21, कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमेन। तू मुझ में जैसे मैं तुझ में, परमेश्वर क्या चाहता है, जैसे तू मुझ में है वैसे। क्या जैसे उसने कुर्बानी दी आपने कुर्बानी दी? क्या जैसे उसने प्यार किया आपने प्यार किया? जैसे यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आपके लिए आया पूरे 100% से, क्या आप 100% से प्रभु में हैं? क्या कह रहा है? जैसे तू मुझ में वैसे मैं तुझ में। आमेन। परमेश्वर ने तो 100% अपना सामर्थ, अपना जीवन आपको दिया। दिया कि नहीं? हाँ के ना। कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने 100% जीवन अपना दिया आपको? विश्वास करते हैं? अच्छा, अभी कितने विश्वास करते हैं कि आपने 100% दिया प्रभु को? ध्यान दीजिए, प्रभु देख रहा है। सवाल नहीं समझे आप? क्या विश्वास करती हैं कि आपने 100% प्रभु को दिया है या दे रही हैं? यानी कि नहीं दे रही हैं। यस, सही बात है। अगर नहीं है तो मत करिए, और कोशिश करिए कि 100% दें हम। हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा। वचन कहता है जैसे तू मुझ में वैसे ही मैं तुझ में। जैसे यीशु मरा, जैसे यीशु ने अपना जीवन दिया, क्या मैंने वैसा यीशु को दिया जीवन? प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हम नहीं दे पा रहे अपना जीवन, हम अपनी ड्यूटीज को निभाते सिर्फ। उसके स्वभाव में हम नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन हमें जीना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने हाथ नहीं उठाया तो हम छूट जाएंगे। नो, ये हमारे लिए चैलेंज है कि मैं 100% प्रभु को जीवन देना है। मैं विश्वास के संग कह सकता हूं कि मैं 100% अपना जीवन प्रभु को देता हूं, डेली, रोज देता हूं, रोज देता हूं। तभी आज यहां खड़ा हूं मैं, बिना स्वार्थ के। गिदौन परमेश्वर को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि गिदौन के अंदर पर एक पाप था। इसलिए उसने क्या कहा, 24 पढ़े बेटा। उसी रात को ऐसा हुआ कि यहोवा ने गिदौन से कहा कि अपने पिता का बैल और 7 का एक अन्य बैल ले, और बाल की जो वेदी है तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और अशेरा को जो उसके पास है काट डाल। क्या उसने दिया आज्ञा गिदौन को? कि जो बाल की वेदी है, मूर्ति पूजा, जो तुम गलत किसी को पूछते हो, गलत मूर्ति है, तुम्हारे जीवन में मूर्ति का पाप है। बोलिए मूर्ति का पाप। बोलिए मूर्ति का पाप। मूर्ति का पाप समझते हैं? कि आप परमेश्वर से पहले किसी और को स्थान देते हैं। अगर आप परमेश्वर से पहले किसी और को स्थान देते हैं, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपकी बुद्धि हो, चाहे आपकी समझ हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपके बच्चे हो, अगर आप अपने बच्चों से ज्यादा, अपने पति से ज्यादा, अपने पैसे से ज्यादा, अपनी बुद्धि से ज्यादा, अगर आप उसको स्थान देते हैं और परमेश्वर को नहीं देते हैं, तो आपके अंदर मूर्ति का पाप है। आप पाप कर रहे हैं, आप में पाप है।
और अगर आप में पाप है और आप ये कर रहे हैं तो परमेश्वर की ताकत आपके अंदर काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे उसको अंदर, क्योंकि वो जो पाप आपके अंदर है वो आपको महसूस होने नहीं देगा कि प्रभु अंदर है। उस पाप की वजह से आपके अंधकार आ जाएगा, आप उस ज्योति को महसूस नहीं कर पाएंगे, वो ज्योति चली जाएगी। बाइबल कहती है जहां ज्योति है वहां अंधकार मिट जाता है, लेकिन जहां अंधकार आता है परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, समझ देता है। तो गिदोन से उसने क्या कहा कि तुझे बाल देवता को काटना है, अशेरा को काटना है। प्रेज द लॉर्ड। और 25वां, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का छब्बीस और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना, तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। Amen. Hallelujah. परमेश्वर ने क्या बताया आपको? जब यीशु मसीह मरा, मर के जिंदा हुआ, उसने आपको अपनी धार्मिकता दी। प्रभु ने क्या बोला कि तुझे अपनी आत्मा को मेरी आत्मा के साथ चलाना है। Amen. क्या कहा, क्या आज्ञा दी? जब उसने आपकी आत्मा को जिंदा किया और अपनी आत्मा उसने आपको दी, तो क्या कहा कि मेरी आत्मा तेरी सहायक होगी, तुझे इस आत्मा के अनुसार चलना है। हेलो, क्या कहा उसने? उस आत्मा के अनुसार चलना है। अपने आप को जांचिए, क्या आप उस आत्मा के संग चल रहे हैं? जांचिए, अपने मन से पूछिए, हेलो, क्या आप उसकी आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? आमीन। अगर आप उसकी आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अगर आप उसकी अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर की शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। यस, फिजूल है परमेश्वर के यहां पर आना। फिर आप कहेंगे साहब मैं प्रॉब्लम में हूं, मुझे रात को अच्छे सपने नहीं आते हैं, डर लगता है, मेरे घर में एटमॉस्फेयर खराब है। होगा, आपके घरों में अशांति होगी, रुकावटों को आप देखेंगे अपने जीवन में कि ये रुकावट यहां से आ रही है, वहां से आ रही है, यहां से आ रही है। फिर आप परमेश्वर को दोष देंगे, अरे मैं तो चर्च भी जाती हूं, बाइबल भी पढ़ती हूं, दशांश भी देती हूं, फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर अंधकार है, आप मूर्ति के पाप में हैं। हेलो, कैसे है मूर्ति के पाप में? क्योंकि परमेश्वर से पहले आप उसको महत्व देते हैं, उस मूर्ति को, उस प्यार को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपने गुस्से को, अपनी ईर्ष्या को, अपने अहम को, सब कुछ खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से आप पवित्र हो चुके हैं, लेकिन आपका अहम आपके अंदर से नहीं जा रहा, आपका ईगो आपके अंदर से नहीं जा रहा। आपको पता है आपकी प्रार्थना को कौन रोकता है? आप सुबह से शाम तक प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? बहुत जोर लगा लिया, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? पता है? क्योंकि आपने अपने आप को दीन नहीं किया है। आप प्रार्थना कर रहे हैं रोज, एक घंटा कर रहे हैं, दो घंटा कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन आपको आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने प्रभु की दीनता को स्वीकार नहीं किया। आप में अहम है, ईगो है, मैं, घमंड है। आप समझ रहे हैं कोई पापी नहीं है, ये पाप है, क्योंकि ये पाप परमेश्वर के स्वभाव को आपके अंदर से निकालता है। इसलिए बाइबल में पत्रस ने यीशु मसीह से कहा था कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? कितनी बार कहा था यीशु मसीह ने? है? कितनी बार कहा था?
अरे आगे बोलो, सात के 77 बार, यानी कि एक दिन में यीशु मसीह ने कहा था कि अपने भाई को 490 बार माफ करो, यानी कि जितनी बार वो गलती करे आप माफ करते जाओ। क्यों? ताकि आपके अंदर से आपकी दीनता खत्म ना हो, आपकी नम्रता खत्म ना हो, क्योंकि प्रभु उसी नम्रता और दीनता में ही काम करेगा। अगर आपके अंदर मैं आ जाएगा कि बहुत हुआ यार, अभी बहुत हो गया, ये हस्बैंड भी कैसा है, अब नहीं छोड़ूंगी इसको मैं, जब देखो यार अपना कुछ बोलता रहता है यार, अब नहीं छोड़ूंगी, बहुत हो गया, बहुत इसने सताया, हेलो, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। शाम होने तक तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो शैतान काम करेगा। ये लिखा हुआ इफिसियों 4:26 में। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके स्वभाव से इंटरेस्टेड रखता है, आपका स्वभाव उसको पसंद है। परमेश्वर चाहता है आपका स्वभाव ना खत्म हो। लोग ऐसे ऐसे घर हैं जहां बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, कुछ पैसे की कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, एक दूसरे को गलत निगाह से देख रहे हैं। अच्छा, प्रेम ही नहीं है। किस बात का पैसा? क्या वो उस पैसे की कोई अहमियत है? आमीन। उस बंगले की कोई अहमियत है? ना मिले हमें बंगला, हमें एक रूम मिल जाए, लेकिन एक रूम में हम प्रेम से रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए रोज, ना कि हमारा प्रेम घटना चाहिए। वो कह रहा है जब हम छोटे थे, जब हम एक रूम में थे बहुत प्रेम था, जब हम एक रूम से दो रूम में आए, दो से तीन में आए, तो हमारा प्रेम घटता रहा। जैसे जैसे पैसा आता गया, हमारा अहम ईगो बढ़ता गया और प्रेम खत्म होता गया। यही होता है। कभी भी नहीं, हमें जांचना है कि हमारा पहला प्रेम खत्म तो नहीं हो रहा है, चाहे प्रभु के लिए चाहे इंसानों के लिए। इसलिए उसने गिदौन से क्या कहा? उस अशेरा की मूर्ति को तोड़। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि चल हम लोग योजना बनाते हैं और मैदानियों को जाकर लूट ले, मैं तुझे शक्ति देता हूं तो मैदानियों को मार। ये कहा रेज द लॉर्ड। तेरे बाप की जो अशेरा की मूर्ति है, जो बाल की मूर्ति है, उसको काट, उसको काट, अंदर के पाप को निकाल, क्योंकि वही तुझे कमजोर कर रहा है, वो मूर्ति तुझे कमजोर कर रही है, वो व्यभिचार तुझे कमजोर कर रहा है, वो डर तुझे कमजोर कर रहा है। कौन डराता है आपको? आपका पाप आपको डराता है। परमेश्वर किसे निकाल रहा है? उस पाप को निकाल रहा है। निकाल उस मूर्ति को, काट। किसकी मूर्ति थी? उसके बाप की। उसने ये नहीं कहा कि जाके बाप को बोल वो उसकी मूर्ति काटेगा। नो, हेलो, ये मत कहिए कि मेरे पति का काम है वो करे, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मेरा बच्चा नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा पति नहीं आ रहा मैं क्या करूं। परमेश्वर ने खुद कहा है वो बाल का मंदिर किसका है? उसके पिता का है। वो बाल का मंदिर किसका था? बोली किसका? आवाज बोली किसका? बोली किसका? जोर से बोली किसका? पिता का है। वो बोल सकता था कि जा तो अपने बाप से बोलो कल सुबह उठने से पहले इसको काट डाले, नहीं ना, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो जानता है किसको चुना है, किसको चुना है। आमीन।
बोलिए मुझे चुना है, बोलिए मुझे चुना है, मैं चुना हुआ हूं। आमीन। आपका काम है, परमेश्वर के काम को आप टाल नहीं सकते कि मेरा बाप करेगा, मेरी मां करेगी, मेरा ये करेगा, नहीं, मुझे चुना है परमेश्वर ने। अपने परिवार, अपने खानदान की मूर्ति को मुझे काटना है। मेरे बाप के पाप को मुझे काटना है, मुझे चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब उसने रात में इसको काट दिया, गिदोन ने बाल की बाल देवता की मूर्ति को काटा, अशेरा को काट डाला। अब क्या हुआ देखिए, भोर के 28 में से पढ़ रहा हूं। भोर के समय जब नगर के लोग जागे तो देखो बाल की वेदी टूटी पड़ी थी और उसके पास अशेरा काटकर गिरा दी गई थी और दूसरा बैल एक बनाई हुई मूर्ति पर बलि चढ़ाया गया था। और लोगों ने एक दूसरे से कहा, ये क्या किया, ये किसने किया? अब जब लोगों ने देखा तो उसने कहा, अरे क्या हुआ? क्योंकि सुबह सुबह उठते ही लोग पहाड़ पर जाते थे मंदिर के लिए, मूर्ति के लिए, जिसकी कोई अस्तित्व नहीं था, जिसमें कोई शक्ति नहीं थी, जो कोई बोलता नहीं था, ना सुनता था, ना चलता था। लोग जाते थे। अब सब लोग, जब गांव के लोग वहां गए हैं इज़राइलीस मूर्ति के पास, तो कटी हुई मूर्ति मिली। हेलो, तो उन्होंने डिस्कस किया कि ये क्या हुआ, ये किसने किया? और जब उन्होंने खोजबीन और पूछताछ की तो कहा, ये तो योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के लोगों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ला कि वो मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को तोड़ डाला है। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अब देखिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को आप जब ठेस पहुंचाते हैं ना, तो उनका अंधविश्वास जाग जाता है और वो कुछ भी कर उठने के तैयार होते हैं। सोचते नहीं है क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। अंधविश्वास में इतनी शक्ति है, अंधविश्वास शक्ति अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अंधविश्वासी लोग ज्यादा उग्र हो जाते हैं। हालेलुया। परंतु योआश ने सबसे जो उसके विरोध में खड़े हुए थे कहा, अब देखिए योआश क्या बोला था उसने गिदोन ने परमेश्वर के सामने, कि मेरा वंश सबसे छोटा है इसराइलियों में। दोबारा पढ़ूं आपके लिए, सोलवा एक मिनट, पंद्रवा दोबारा पढ़िए देखिए। और उसने उससे कहा कि हे यहोवा, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा परिवार मनुष्य में सबसे छोटा है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यानी कि वो बता चुका था कि मेरा जो घर है मनुष्य में, मेरा परिवार सबसे छोटा है। यानी कि योआश जो है उस परिवार का मुखिया था, इसलिए पहले ही गिदोन बता चुका कि मैं सबसे छोटा हूं। योआश का, हमारे पिता का, मेरा कोई मूल्य नहीं है इस मनुष्य में, इस इलाके में। फिर चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हां के ना? पक्का? देखिए, मैं आपको पुराने नियम से ये कहानियां क्यों बताता हूं, ताकि आपके अंदर बाइबल और मजबूत हो जाए, ताकि आप पुराने नियम की जो चीजें हैं उसको अच्छी तरह से समझने लगे, ताकि परमेश्वर आपको बताए। इसलिए आसान तरीके से आपको इन चीजों से मैं अवगत कराता हूं। हालेलुया। अच्छा करता हूं, खराब करता हूं? पक्का? प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पहले वो बता चुका है परमेश्वर के सामने कि मेरा जो परिवार है मनुष्य में बहुत छोटा है और मैं सबसे छोटा हूं। अब देखिए, जब बाल की मूर्ति का, आपको पता है जब गलत स्पिरिट आपके आसपास रहती है ना, जब गलत आत्मा आपके आसपास रहती है ना, आप में डर होता है, आपके रिश्तों में डर होता है, आप एक दूसरे को समझ नहीं सकते। आप समझते कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो गलत स्पिरिट, याद देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है, कि पहले वो बोलता था कि योआश जो मेरा पिता है वो यहां पर मनुष्य में सबसे छोटा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब मनुष्य क्या बोलता है, परंतु योआश ने सबसे जो उनके विरोध में खड़े हुए थे, क्या तुम बाल के लिए विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचा लोगे? जो कोई उसके लिए विवाद करेगा वो सुबह तक मार डाला जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? योआश, जो मनुष्य में सबसे छोटा परिवार था,
जिसके पास ताकत नहीं थी, ये उसका बच्चा, ये जो उसका बेटा है गिदोन, वो खुद बोल रहा है कि मेरा बाप मनुष्य में सबसे छोटा है, हमारे पास ताकत नहीं है यहां पर। लेकिन जब पूरा गांव आ गया, लेकिन कौन सी ताकत आई योश के पास? परमेश्वर की ताकत आई। कहां थी वो ताकत? वो ताकत वहां थी, लेकिन वो जो बाल की देवी है, जो बाल देवता की मूर्ति है, वो जो गलत आत्मा है, वो जो गलत स्पिरिट है, उसने उसको दबा के रखा हुआ था, उस योआश को, उस परिवार को। इसलिए वो कुछ नहीं बोलते थे। जो सब लोग कर रहे थे उस वैसे ही वो लोग भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो स्पिरिट गई, जैसे ही वो गलत आत्मा गई, जैसे ही शैतान की योजना को उसने खत्म किया, योआश ने कहा कि अगर कोई मेरे विरुद्ध खड़ा होगा तो उसको मैं सुबह से मार दूंगा, सुबह तक। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन सी स्पिरिट काम कर रही है? परमेश्वर की स्पिरिट। जब परमेश्वर की स्पिरिट आपके अंदर काम करती है ना, तो आपका दुश्मन झुक जाता है, आपका दुश्मन झुक जाता है। जब आप बोलते हैं ना, तो आपका दुश्मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर क्या है? परमेश्वर की स्पिरिट है। इसलिए हमेशा अपने घर से गलत स्पिरिट को निकालिए, आजाद करिए। अगर आपने घर में है और आपको लग रहा गलत, निकालिए, आए गलत स्पिरिट निकल यहां से, यीशु मसीह के नाम से। मैं अपने घर को शुद्ध करता हूं, मैं अपने घर को पवित्र करता हूं, मैं अपने बच्चे को पवित्र करता हूं, मैं अपने पति को पवित्र करती हूं। ऐ शुद्ध आत्मा, ए गलत स्पिरिट निकल यहां से, निकल। परमेश्वर की आत्मा यहां पर आए, परमेश्वर की आत्मा यहां पर आए। रोज बुलाइए, जोर से बोलिए, अपने घर के आशीष के लिए, अपने घर की बरकत के लिए बोलिए, गलत स्पिरिट को निकालिए। जब आप गलत स्पिरिट को निकालेंगे, आपके पति के अंदर से निकल जाएगी। बोलिए, मेरे पति के अंदर से गलत स्पिरिट निकले। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज योआश, एक मिनट, हालेलुया, कहां पर था? 31। परंतु योआश ने उन सबसे कहा कि जो उसके विरुद्ध खड़े हुए थे, क्या तुम बाल के लिए विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचा लोगे? जो कोई उसके लिए विवाद करेगा वो सुबह तक मार डाला जाएगा। यदि वो एक देवता है तो वो स्वयं विवाद करे, क्योंकि किसी ने उसकी वेदी को तोड़ डाला है। हालेलुया। क्या कहता है योआश? कि अगर वो देवता है, उसने उसको किसी ने काट डाला, तो वो क्यों नहीं बोलता है? हेलो, वो बोलता है कि जो योआश बोलता है कि जो बाल देवता है, जो अशेरा है, अगर उसको किसी ने काटा है तो उसको बोलने दो, तुम क्यों बोल रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी शिक्षा है। आप जो मूर्तियों के पीछे जाते हैं, मूर्तियों से कहते हैं, मूर्ति जी मुझे पैसा दो, अरे मूर्ति जी मेरी इच्छा पूरी करो, अरे मूर्ति जी मुझे ये दो, और मूर्ति ना बोल पाती है, ना देख पाती है, ना सुन पाती है। इसलिए योआश कहता है कि अगर मूर्ति काट डाली गई तो मूर्ति को बोलो ना कि वो बोले, मूर्ति को बोलो, गूंगी है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या था परमेश्वर ने क्या किया, क्या निकाला परमेश्वर ने? गलत स्पिरिट को निकाल दिया। जैसे ही गलत स्पिरिट निकली, परमेश्वर की आत्मा आ गई, परमेश्वर की स्पिरिट आ गई। जैसे ही गलत स्पिरिट निकली और परमेश्वर की आत्मा को आप पहचानने लगे, गिदोन ने पहाड़ पर उस स्पिरिट को निकाला और परमेश्वर की आत्मा योआश के अंदर काम करने लगी, और योआश ने कहा कि अगर कोई मेरे बेटे का नाम लेगा तो सुबह तक मार डाला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, यही है, गलत स्पिरिट आपको जीने नहीं दे रही है, चाहे मसीह है, क्योंकि मूर्ति का पाप अगर आपके अंदर है, घमंड आपके अंदर है, व्यभिचार आपके अंदर है, तो आप परमेश्वर की स्पिरिट को अपने अंदर नहीं महसूस कर पाएंगे, उसकी ताकत को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, परमेश्वर क्यों नहीं काम कर रहा है आपके जीवन में? क्योंकि गलत स्पिरिट आपके अंदर है, आप उस पाप के अनुसार जी रहे हैं। इसलिए रोमियो 7:15-20 पढ़िए, रोमियो 7:15-20,
जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। आमेन। क्यों करता हूँ? होता है कभी कभी आपके साथ के नहीं होता है, जो मैं नहीं चाह रहा हूँ वो तो कर रहा हूँ, लेकिन जो चाह रहा हूँ वो नहीं कर रहा हूँ। आमेन। क्यों? 20वां पढ़िए। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। आमेन। तो कौन कर रहा है मेरे अंदर वो काम जिसकी इच्छा मैं नहीं कर रहा हूं? बोलिए, पाप। कौन कर रहा है? पाप मेरे अंदर, और मुझे नचा रहा है पाप। आपको कौन नचा रहा है? आपका पाप। आपको कौन कंफ्यूज कर रहा है? आपका पाप। कभी इधर लेके जाता है, कभी उधर लेके जाता है, कंफ्यूज करता है ताकि आप परमेश्वर में ना रह सकें। कंफ्यूजन की आत्मा कौन लेके आ रहा है? आपका पाप। इसलिए परमेश्वर स्थिरता देता है। परमेश्वर आप में चाहता है कि आप स्थिर बने रहें, आपकी स्थिरता आपके अंदर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप परमेश्वर के काम को देख पाएंगे, तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियन 12 का 9 कहता है कि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। पढ़िए बेटा। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, घमंड में नहीं, ईगो में नहीं। अगर आप में किसी भी चीज का ईगो आ गया है, प्लीज निकालिए, क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख पाएंगे, आप परमेश्वर के काम को नहीं देख पाएंगे। दीनता और नम्रता के साथ जीवन बिताइए, तब परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में देख पाएंगे। यीशु मसीह ने स्वर्ग और धरती का अधिकार पा लिया था, उसके बाद उसने चेलों के पैर धोए। आओ आओ, मैं पैर धोता हूं। आमेन। क्या जरूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के सामर्थ को देखें। आमेन। अगर मेरा ईगो, मेरा स्टबनपन, जिद्दीपन, मेरा ईगो अगर परमेश्वर के सामर्थ से मुझे दूर करता, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज परमेश्वर, ये स्वार्थ, ये स्वभाव मेरे अंदर से निकालो। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं? कितने लोग ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्लीज करिए, अभी प्रार्थना करिए। परमेश्वर, प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे अंदर से जिद्दीपन, अहम निकालिए, ताकि मैं निर्बलता में आपका सामर्थ महसूस कर सकूं। मैं वो शांति, वो आनंद महसूस कर सकूं जो आपका है, जो आपने मुझे दिया है, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आमेन। झुकने में ही आनंद है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को बुरी लगती हैं। क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 6:17-18। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। बड़ी बेटा, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले, बस हाँ, झूठ बोलने वाले जीव, और निर्दोष का लहू। हाँ, 16 पढ़ो, 16। 6 वस्तुओं से यहोवा भय रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाले होंठ। कभी मत झूठ बोलिए। आप नौकरी पर हैं, आपको लगता है मेरी नौकरी चली जाएगी, जाने दीजिए, हमको ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर घृणा करता है। क्या नौकरी अच्छी है या परमेश्वर? मेरा पूछे परमेश्वर मिले। आमेन।
वो मुझे संभालेगा, वो है मेरा पिता जिसके संग मुझे रहना है जाकर। नीति वचन 6:16-18 को पढ़िए घरों में जाकर, और इस स्वभाव को, अगर कोई भी स्वभाव आपका इसमें है तो उसको निकालिए अपने अंदर से, क्योंकि परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या किया परमेश्वर ने गिदौन को, बहुत लंबा वचन है, थोड़ा सा मैं काटूंगा यहां पर, गिदौन को मिदानियों के सामने लड़ने के लिए भेजा, लेकिन उसके अंदर उसको बताया कि तेरे अंदर शक्ति है, तू अकेला ही एक मैदानी को मार सकता है, और ऐसे मार सकता है जैसे कि तू पुरुष को मार रहा है, लेकिन उसके लिए तेरे अंदर की ताकत जरूरी है जो तेरे पास नहीं है। इसलिए उसके अंदर की ताकत लाने के लिए गिदौन को परमेश्वर ने कहा कि मूर्ति को काट, अपने अंदर की मूर्ति को निकाल, अपनी गलत मूर्ति को निकाल। आप भी अपनी गलत मूर्ति को निकालिए, अगर आपके अंदर कोई गलत मूर्ति है उसको निकालिए, मूर्ति के पाप को निकालिए, आप परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस करेंगे अभी इसी समय। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा, विश्वास करता हूँ उस वचन ने आपको जीवन दिया। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने भाई बहनों को परमेश्वर, जो यहाँ पर कलीसिया में है और जो जूम के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए आशीष मांगता हूँ परमेश्वर, बुद्धि मांगता हूँ परमेश्वर, उनके अंदर से मूर्ति का पाप निकले और आपका सामर्थ्य, आपके उपस्थिति आए और आपका सामर्थ्य वो महसूस कर सके, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी कबूल की, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। गॉड